लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानतल को दिबा पाटिल या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे का नाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर वर्षा बंगला पे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, माननीय नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनकी उपस्थिति में वहाँ पे एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में खासदार श्रीरंग बारणे साहब, शेतकरी कामगार पक्ष के आमदार बाळाराम पाटील, शिवसेना के बबन दादा पाटील, माजी आमदार शिवसेना के मनोहर भोईर, वहाँ पे बीजेपी के आमदार महेश बालदी, बीजेपी के आमदार तत्कालीन सिडको चेयरमैन प्रशांत ठाकुर, मनसे के आमदार राजू दादा पाटील, वहाँ पे एक्स एमपी रामशेठ ठाकुर साहब, ये कमिटी के अध्यक्ष जो दशरथ पाटील साहब है, माजी आमदार भाजप के जगन्नाथ पाटील साहब, वहाँ पे महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे साहब और सेक्रेटरीगण, नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह, दो पुलिस उपायुक्त मेंगड़े साहब और शिवराज पाटील साहब, और सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी साहब और इतर लोग वहाँ पे उपस्थित थे। जय मात्रे थे, आरसी गरत कांग्रेस के थे, उसके उपस्थित में कल बैठक हो गई। उस बारे में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने वहाँ पे प्रस्ताव रखा कि दिबा पाटिल साहब का तो हम सम्मान करते रहे के, उनका भी आदर हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, लेकिन वहाँ पे सिडको ने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे का ठराव सम्मत किया है। अरे, सिडको महाराष्ट्र शासन की एक अंगीकृत संगठना है, एक महाराष्ट्र शासन ही है। अभी वो ठराव रद्द करने के बाद में शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे का भी अवमान हो सकता है और पूरा महाराष्ट्र के शिवसैनिक का अवमान हो सकता है। उसके ऊपर शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ने भी सूचना की कि दिवंगत दिबा पाटिल साहब को शिवसेना में प्रवेश हम लोगों ने दिया था, जब मैं खुद था, उनको रायगढ़ की खासदार का टिकट दिया था, वो टाइम पे उनका पराभव रामशेठ ठाकुर ने किया था, ये हकीकत है। और रामशेठ ठाकुर ने पराभव करने के बाद में दिबा पाटिल को सम्मान करने का काम शिवसेना ने किया था। आज शिवसेना दिबा पाटिल साहब का आदर करते हुए उनको भी सम्मान देना चाहते हैं। उनकी ऊंचाई हिमालय तक है, बाळासाहेब ठाकरे की ऊंचाई हिमालय तक, दोनों की ऊंची या गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों अपने जगह पे एकदम अच्छे पोजीशन पे है। आज यहाँ पे बाळासाहेब ठाकरे के नाम को बाबा तीन आमदार को पूछा गया, उसमें राजू पाटिल, महेश बालदी, प्रशांत ठाकुर, आपका बाळासाहेब ठाकरे को विरोध है क्या? तो उन्होंने वहाँ पे विरोध नहीं है करके बताया। तो विरोध नहीं तो बात ही खत्म होती है। तब एक किस्सा शिवसेना प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव साहब ने बताया, जब बांद्रा सेतु पुल बनाया था उसका भूमि पूजन शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ने किया था, हमारी मांग थी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे का नाम देने की, लेकिन वहाँ पे नाम नहीं दिया, उधर राजीव गांधी का नाम दिया गया। तो ऐसे राजनीति में ये होता रहता है। आज यहाँ पे जो है संघर्ष नहीं होना चाहिए, और किसी चीज़ के लिए नाम देना है तो बताए। तो वो टाइम पर बाळाराम पाटील ने सूचना दी कि बाबा जो नागरी नावा शेवा शिवडे लिंक है उधर दिवंगत दिबा पाटिल साहब का नाम दे दो करके। लेकिन जब इन्होंने मुख्यमंत्री ने पूछा क्या किसी को बाळासाहेब ठाकरे का विरोध है क्या, तब कोई भी विरोध नहीं किया, क्या बाळासाहेब ठाकरे को हमारा विरोध नहीं है, ऐसे ही सब बोले। लेकिन ये दुटप्पी भूमिका भी मालूम पड़ती है। यहाँ पे लोगों को भड़काने का काम यहाँ पे भाजप के ठाकुर कंपनी वो यहाँ पे कर रहे। जब सिडको के तत्कालीन चेयरमैन प्रशांत ठाकुर थे, उनके पास में 46 गांव संगठना जो प्रकल्प है उन्होंने प्रस्ताव दिया था 2012 से, वो प्रस्ताव सिडको में पड़ा है। जो 10 गांव बाधित अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बाधित 10 गांव है, उनका भी प्रस्ताव उनके ही आरजी प्रशांत ठाकुर के पास दिए थे कि ये विमानतल को दिबा पाटिल साहब का नाम दे दो करके। लेकिन वो प्रस्ताव का कभी ख्याल प्रशांत ठाकुर ने किया नहीं। लेकिन प्रशांत ठाकुर चेयरमैन होते हुए कभी प्रकल्पग्रस्त या भूमिपुत्रों का कभी देखा नहीं। जब चेयरमैन होते हुए कौन सा भी प्रस्ताव दिबा पाटिल के नाम से उन्होंने किया नहीं। 28 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, इन्होंने महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री करके शपथ ली। उसके बाद में 29 नवंबर को
तत्कालीन चेयरमैन आमदार प्रशांत ठाकुर इन्होंने सिडको की मीटिंग बुलाई। मीटिंग किसके लिए बुलाई? तो खुद के 358 प्लॉट को मंजूरी देने के लिए। जो प्लॉट उन्होंने मंजूरी दी है वो प्लॉट का सेक्टर 29 था जिसका ड्रॉ हुआ था, लेकिन वो भी सेक्टर चेंज किया। उसमें एक कुलकर्णी नाम का सिडको का अधिकारी था, उसका एक काम के लिए विरोध था, लेकिन उसका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी बात ऐसी है कि तुम्हें खुद के प्लॉट के लिए तुम्हें टाइम मिलता है, जब दिबा पाटिल का नाम दे रहे थे चेयरमैन होते हुए आपने नाम दिया नहीं। आप आमदार है वहाँ के, आप चेयरमैन थे जब नरेंद्र मोदी साहब ये भूमि पूजन के लिए एयरपोर्ट के लिए आए थे, तब आप स्टेज पे थे, आपके कंधे पे मोदी साहब ने हाथ डाला था, तब आपने मोदी साहब को बोलना चाहिए था। वो क्लिप आपने वायरल किया कि मोदी साहब ये विमानतल को दिबा पाटिल साहब नाम देना चाहिए, वहाँ पे वो घोषणा करनी चाहिए थी, वो घोषणा की नहीं। आज पनवेल महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है, यहाँ पे नवी मुंबई में भाजपा की सत्ता थी, उरन नगर पालिका में आज 10 साल से भाजपा की सत्ता है, तो कौन से वास्तु को आज तक ये बीजेपी ने दिबा पाटिल साहब का नाम दिया है, कौन से स्टेडियम को दिया है, कौन से काम के लिए दिया है? कभी दिया नहीं है। आज रामशेठ ठाकुर के नवी मुंबई परिसर में सिडको से जो प्लॉट लिए, खुद के कॉलेज बनाए, कौन से कॉलेज को या स्कूल को या लॉ कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज को दिबा पाटिल साहब का नाम दिया है? उलवा नोड में रामशेठ ठाकुर ने रामशेठ ठाकुर स्पोर्ट्स क्लब बनाया है, फिर उसको नाम क्यों नहीं दिबा पाटिल साहब नाम दिया नहीं है? आज हकीकत ऐसी है, दिबा पाटिल साहब ने शेका पक्ष के नेते थे बड़े, उन्होंने शेका पक्ष के लिए बहुत काम किया, 5 टर्म वो आमदार थे, 2 टर्म खासदार थे, तब उनको शेका पक्ष ने पार्टी से दत्ता पटेल दिबा पटेल की हकल पट्टी की, तब उनका पुनर्वसन शिवसेना ने किया था। मैं शिवसेना का वकील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। आज इतने सिडको के वजह से प्रकल्प से प्रॉब्लम खड़े हुए हैं, आज हमारा गांवटल विस्तार नहीं हुआ है, आज 12.5% के प्लॉट नहीं मिल रहे, जो गांव में 95 गांव विलेजेस है जो सिडको अपेटेड है, उनको उनका अभी तक कुछ नागरिक सुविधा नहीं मिले। ये करने के लिए आंदोलन साथ में नहीं आए, लेकिन खुद का सिडको का काम चाहिए, सिडको का ठेका चाहिए, सिडको से प्लॉट निकलना है तो MD को मिलने के लिए उनको टाइम मिलता है, पर ऐसे काम के लिए MD को मिलने का टाइम क्यों नहीं मिला? ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठ सकते हैं। आज एयरपोर्ट का काम हुआ, काम किसने किया? GVK गायत्री यार ठाकुर मात्रे कंपनी ने, आज उसका सब काम उन्होंने किया, तब 10 गांव का पुनर्वसन करना है, 10 गांव को पैकेज देना है, वो काम के लिए ये लोग एक नेता लोग एक क्यों नहीं हो गए, क्यों आंदोलन नहीं छोड़ा, क्यों ये नहीं किया? आज पूरा जो 95 गांव है पूरा नवी मुंबई का 95 विलेज, उनके लिए आज पूरा नेता लोग एक क्यों नहीं है? दिबा पाटिल साहब का हम आदर करते हैं, मैं भूमिपुत्र हूँ, मैं प्रकल्पग्रस्त हूँ, मेरे लिए उनका काफ़ी मन में आदर है। जब इनके हाथ में है, इनके हाथ में राज्य सरकार था बाद, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बहुत बार आके गए, फिर उन्होंने वो नाम देना चाहिए था। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक सावंत साहब ने उनको लेटर दिया था देवेंद्र फडणवीस साहब को, कल वो लेटर दिखा रहे जिसके लिए बोल रहा हूँ, तो वो लेटर देने के बाद उन्होंने वो विमान अथॉरिटी को लेटर भेजा, तब वही लेटर उन्होंने सिडको MD को भेजना चाहिए था और उसका प्रस्ताव पास करके मंगाना चाहिए था देवेंद्र फडणवीस, एक काम किया नहीं है। आज विधानसभा में 106 आमदार BJP के है, विधान भवन में विधानसभा में प्रस्ताव मंजूर होना है, 106 आमदारों ने उनको पार्टी में देना चाहिए। आज देवेंद्र फडणवीस और विरोधी पक्ष ने दोनों भी प्रवीण दरेकर, इन्होंने भी अपनी भूमिका ये जाहिर करना चाहिए कि बाबा दिबा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए। अभी यहाँ पे जो राजनीति चल रही है वो गलत तरीके से ठाकुर कंपनी कर रही है। आज मेरा एक ही कहना है कि यहाँ पे भूमि पुत्र जो प्रकल्प है उनको न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जब पूछा बाबा साहब ठाकरे को तुम्हारा विरोध है क्या, तब तीनों आमदार जो राजू पाटिल है मनसे के आमदार, महेश बाली भाजपा के आमदार और जो प्रशांत ठाकुर भाजपा के आमदार, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने विरोध भी नहीं किया ना इन लोगों ने विरोध किया, तो वहाँ पे उन्होंने ठाम विरोध करना चाहिए था, नहीं बाला साहब ठाकरे का हमारा विरोध है करके, यानी दुट्टप्पी भूमिके में ये भाजपा का नेता लोग चल रहे हैं और भाजपा ने ये जो राजनीति कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से ठाकुर कंपनी राजनीति कर रही है। यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल के टाइम पे देवेंद्र फडणवीस आए थे उलवा नोड में, उन्होंने उद्घाटन किया, तब उरन के विधायक महेश बालदी ने भाषण में कहा कि यहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इनका ही नाम ये अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को देना चाहिए।
बाद में स्टेज से कोई बोला तो उसे नहीं 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 दीपा पाटिल का नाम, लेकिन तुम्हारे जो पेट में है वही बाहर ओर से बाहर आया, ये हकीकत है। आज हकीकत में और मैं एक बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मुंबई का एयरपोर्ट बंद होने वाला है, वहाँ पे खाली डोमेस्टिक एयरपोर्ट रहने वाला है। मुंबई एयरपोर्ट का नाम जो दिया गया है वो बाला साहब ठाकरे साहब की मांग थी, शिवसेना के आमदार ने आंदोलन किया था और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल नाम दिया। अभी वही एक्सटेंशन नई मुंबई में हो रहा है, वहाँ पे खाली डोमेस्टिक एयरपोर्ट रहने वाला है। तो कल यहाँ पे क्या हो सकता है ये किसी को भी पता नहीं है, ये हकीकत है। तो मेरा एक ही कहना है, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हमारे दिवंगत नेता, शेतकरी कामगार पक्ष के नेता थे, प्रकल्प प्रस्ताव के नेता थे, उनके लिए हमारे भाव आदरणीय भावना है, उनको दोनों का मान सम्मान रखना चाहिए, यही मेरी भावना है।